I am K.N. Mishra, your biology teacher. Again, welcome all of you in online classes of your school, that is Little Flowers School. Class, according to new system, at present we are studying chapter number 1, which is life process. As I told you in my previous lecture online class, that all that processes which is essential for life, all those processes which are essential, which are continuously going on inside any living body, is known as life processes, such as respiration, first of all nutrition, such as respiration, such as digestion, control and coordination, all these processes are etc. All these processes are continuously going on in any living organism, even when any organism, when any animal is sleeping. At that time also, ये question है आपकी book में कि when we are sleeping, then we need energy or not? ये question है. जब हम सो जाते हैं तब भी हमको energy की need होती है class. इसलिए need होती है क्योंकि जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा heart function करता है, तब भी हमारे lungs function करते हैं, तब भी हमारा respiratory system काम करता है. So even when we are sleeping, at that time also energy is very essential. ठीक है, और energy आती कहाँ से है? Energy comes from the food taken by any living organism from outside. Clear? From food the energy comes. Now, first of all I want to discuss you about nutrition. Class, nutrition is of two type. First type of nutrition is autotrophic nutrition. ऑटो का मतलब सेल्फ. जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप अपना फूड बना ले, प्रिपेयर कर ले, बाहर से फूड ना ले, तब ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. दिस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप. वन इज फोटोसिंथेटिक एंड सेकेंड वन इज कीमोसिंथेटिक. तो फोटोसिंथेटिक वाले को कहा जाएगा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये कहा जाएगा फोटोसिंथेटिक को. और दूसरे वाले को जो हमारा कीमोसिंथेटिक है उसको हम कहेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसको पहले पढ़ते हैं फोटोसिंथेटिक को. जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं हमारे चारों तरफ, ऑल ग्रीन प्लांट्स पजेस दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज फोटोसिंथेटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. एंड दिस इज बिकॉज ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट इनसाइड देम. दिस ग्रीन पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोफिल. Green pigment chlorophyll is present. So पिछले क्लास में भी हम पढ़ाए हैं आपको, क्लास 9th में, विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोरोफिल ऑल ग्रीन प्लांट्स यूज टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई देमसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर. क्लियर, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, सनलाइट और क्लोरोफिल. इतनी चीज़ें रहे तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा. सो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर एग्जांपल्स ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑल ग्रीन प्लांट्स.
come to second one, chemosynthetic mode of nutrition. Chemosynthetic mode of nutrition takes place in some bacteria. हम एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं आपको. फॉर एग्जाम्पल मिथेनोजन, मिथेनोजन बैक्टीरिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल. मिथेनोजन बैक्टीरिया ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनका नाम मिथेनोजन है. मिथेनोजन बैक्टीरिया, मिथेनोजन बैक्टीरिया नेचुरली पाए जाते हैं ये काऊ डंग में, काऊ डंग में. और काऊ डंग में जब ये पाए जाते हैं, काऊ डंग में कहाँ से आते हैं ये भी आपको बता दें. काऊ डंग में आते हैं च्यू एंड कड एनिमल्स के माउथ में ये प्रेजेंट होता है. च्यू एंड कड एनिमल के माउथ में, ठीक है, वहाँ से ये बैक्टीरिया आ जाते हैं काऊ डंग में. ठीक, काऊ डंग में ये काऊ डंग से एक तरह का गैस रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं मीथेन गैस. इस मीथेन गैस से हम लाइट भी ऑब्टेन कर लेते हैं, इस मीथेन गैस से हम खाना भी पका लेते हैं. इसीलिए इन बैक्टीरिया को कहा जाता है मीथेनोजन बैक्टीरिया. दे आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. क्लियर? नाउ क्लास योर टुडेज होमवर्क इज रिवाइज द टॉपिक वॉट एवर वी हैव स्टडीड टूडे. रिवाइज वेरी थॉरली दोज थिंग्स. दिस इज योर होमवर्क फॉर टूडे क्लास 10. दिस इज ऑल फॉर टूडे. इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेज वी विल स्टडी अबाउट रेस्पायरेशन एंड रेस्ट पोर्शन ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो. थैंक यू क्लास 10. स्टे होम, बी सेफ. थैंक यू.